लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 13 अक्टूबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। नोटबंदी मामले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा जानते हैं कहां है लक्ष्मण रेखा। केंद्र सरकार पूजा स्थल कानून पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दे सुप्रीम कोर्ट। जम्मू में 1 साल से अधिक समय से रहने वाले बन सकते हैं वोटर, सरकारी आदेश। गोवा के पास नौसेना का लड़ाकू विमान क्रैश, तकनीकी खराबी को बताया जा रहा वजह। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र का दिवाली गिफ्ट, 78 दिन के बोनस का ऐलान। कोटकपुरा फायरिंग, पंजाब पुलिस की SIT ने अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल से की पूछताछ। अब सेना भी इलेक्ट्रिक वाहनों से होगी लेस, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की पहल। दीपावली से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार का श्रमिकों को तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया। कफ सिरप विवाद, मेडेन फार्मा की जांच के लिए बनाई गई कमेटी, फिलहाल प्रोडक्शन पर रोक। नई वंदे भारत ट्रेन से 3 घंटे कम हो जाएगी दिल्ली चंडीगढ़ रूट की दूरी, PM करेंगे उद्घाटन। किसी भी शख्स पर IT एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। देश का नर्सिंग हब बनेगा UP, 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगी नर्सिंग की पढ़ाई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। क्राइमिया ब्रिज हमले में रूस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। यूक्रेन को जब तक जरूरत है तब तक मदद करेंगे G7। खालिस्तानी अलगाववादी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भारत की अपील, इंटरपोल ने लौटाई। एलॉन मस्क ने पुतिन से बातचीत पर दी सफाई, कहा एक बार बात की वो भी अंतरिक्ष के बारे में। US करेगा सऊदी अरब के साथ रिश्तों की दोबारा समीक्षा, तेल के दाम बढ़ाने वाले फैसले से जो बाइडेन है नाराज। पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने की रूस की क्षमता का गलत अनुमान लगाया जो बाइडेन। दुबई में चाइनीज फ्लाइंग कार ने भरी पहली उड़ान, पब्लिक के लिए टैक्सी के रूप में होगी इस्तेमाल। रशिया यूक्रेन वॉर, परमाणु हमले से बचाने वाली गोलियां खरीद रहा अमेरिका, न्यूक्लियर इमरजेंसी की हो रही तैयारी। अब खेल समाचार। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर लगा 3 साल का बैन, मार्च के बाद जीते खिताब हो जाएंगे अवैध। आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ने बनाई महिला फुटबॉल विश्व कप में जगह। Under-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप पहले ही मैच में भारत को अमेरिका ने 8-0 से हराया। ICC रैंकिंग 1 T20 बल्लेबाज बनने के करीब आए सूर्य कुमार यादव, धवन को ODI में भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने जीती बैक टू बैक दूसरी T20 सीरीज, अब कंगारुओं को घर में दी मात। समाचार बिजनेस संबंधित। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमा, सेंसेक्स 479 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,100 के पार। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे टूटकर 82.35 पर। सितंबर में खुदरा महंगाई 7.41% के साथ 5 महीने के शीर्ष पर। रेलवे अब वंदे भारत की तर्ज पर हाई स्पीड मालगाड़ियों की शुरुआत करेगा। तेल कंपनियों को बड़ी राहत, नुकसान की भरपाई के लिए सरकार देगी 22,000 करोड़ रुपए। IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को बताया बेहतर, अतिरिक्त मौद्रिक सख्ती बरतने पर दिया जोर। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।